हेलो माय डियर फ्रेंड्स, 5 मिनट किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सिंपल बट इंटरेस्टिंग रेसिपी लेकर आई हूँ, ग्रीन पीस गुआकामोले। इसे आप ग्रीन पीस चटनी भी कह सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम फ्रेश ग्रीन पीस ली है और इनको 2 से 3 मिनट बॉयल कर लिया है। अब एक मिक्सर जार लेंगे, उसमें बॉयल ग्रीन पीस डालेंगे। आप फ्रोजन ग्रीन पीस भी ले सकते हैं। अब उसमें कुछ फ्रेश वॉश्ड कोरिएंडर लीव्स ऐड करेंगे, 4 गार्लिक क्लोव्स, छोटा सा जिंजर का पीस, 1 टेबल स्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून क्रश्ड ब्लैक पेपर और सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, 1 टेबल स्पून लेमन जूस। बस अब जार को लिड से कवर करके इन सारे इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंड करेंगे। ग्रीन पीस में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपकी आई, बोन एंड ब्रेन को हेल्दी रखते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स ब्लेंड हो गए हैं, हमें गुआकामोले को दरदरा ही पीसना है। अब एक बड़ा बाउल लेंगे, उसमें मिक्सचर को निकाल लेंगे। आप इस चटनी में अपने टेस्ट के हिसाब से रेड और ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं। गुआकामोले को और भी टेस्टी बनाने के लिए इसमें एक छोटे से टमाटर को बारीक चॉप करके ऐड करेंगे और थोड़ी सी स्प्रिंग ऑनियन को भी बारीक चॉप करके ऐड करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। सो इस गुआकामोले चटनी और सालसा को आप किसी भी तरीके से खा सकते हैं और इसे आप फ्रिज में 3 से 4 दिन तक रख के यूज़ कर सकते हैं। और लीजिए, हमारा बहुत ही यमी ग्रीन पीस गुआकामोले तैयार है। इसे आप टॉर्टिला चिप्स या फिर रेगुलर चिप्स के साथ ले सकते हैं। और आप इस गुआकामोले को ब्रेड स्लाइसेस पर जैम या बटर की तरह स्प्रेड करके भी खा सकते हैं, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आता है। आप अपने बच्चों को कुछ इस तरह से ग्रीन वेजिस खिला सकते हैं और वो भी उनके टेस्ट के साथ, और उनको पता भी नहीं चलेगा। और इन्हीं गुआकामोले ब्रेड स्लाइसेस पर आप थोड़ा सा नायलॉन नमकीन स्प्रिंकल करें और बारीक कटी हुई ऑनियन और थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करके भी सर्व कर सकते हैं, जो कि सबको बहुत पसंद आएगा। तो फिर जल्दी से जाइए अपने किचन में और इस रेसिपी को बनाइए और फैमिली के साथ इंजॉय करिए। एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यह रेसिपी आपको कैसी लगी। ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज जानने के लिए 5 मिनट किचन को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।